पाक की सियासत में फिर हलचल तेज हो गई है। साथ ही पाक में 123 एमएनए के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। पाक में 123 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के जो इस्तीफे हैं उनको मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार पाकिस्तान की जो सियासत है, जो राजनीति है, उसमें लगातार उठापटक जारी है। पहले इमरान खान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर जो उठापटक थी वो जारी थी, अब इमरान खान को कुर्सी से हटा दिया गया है, जिस पर अब प्रधानमंत्री का पद शहबाज को दे दिया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है। उसके बाद अब बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, जहां 123 एमएनए का जो इस्तीफा है उसकी मंजूरी भी दे दी गई है और जो पाक में जितने भी एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के 123 लोगों की जो मंजूरी है इस्तीफे की वो दे दी गई है। पाक की सियासत में लगातार उठापटक की जो स्थिति है वो जारी है, यहां पर घमासान लगातार देखते हुए नजर आ रहा है, चाहे बात शहबाज की जाए या फिर इमरान खान से जुड़ी हो। अब जो ये बड़ी खबर आ रही है, ये एमएनए के 123 इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे, पाक की सियासत में फिर हलचल लगातार तेज है। पाक में 123 एमएनए के इस्तीफे को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। गौहर, जिस तरह से देखा जाए अब जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें लगातार जो उठापटक है वो जारी है, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए एमएनए के 130 एमएनए को इस्तीफे के लिए जो मंजूरी है वो अब दे दी गई है। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर पहले जो कासिम सूरी है उन्होंने पाकिस्तानी कानून और आईन का जो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 है उसका इस्तेमाल करते हुए ये जो 123 एमएनएज हैं जिनमें 4 नॉन मुस्लिम हैं, 10 से 12 इसमें वुमेन थी जो रिजर्व थी और बाकी इलेक्टेड सारे थे, इन्होंने जॉइंट एप्लीकेशंस दे थी पहले और बाद में इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मूव की थी और इन सब के एप्लीकेशंस जो रिजिग्नेशंस थे उनको एक्सेप्ट कर दिया। और इस तरीके से एक्सेप्ट करने के साथ साथ बाजाबता तौर पर कासिम सूरी जो खुद पीटीआई के अभी हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले इसका बाजाबता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आदेश दे दिए हैं। और अब थोड़ी देर पहले जो हमें इतला आई है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में बाजाबता तौर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है और इस तरीके से आज जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है वहाँ से आज पहले दिन 123 एमएनएज ने अपने इस्तीफे जो दिए थे उन्हें मंजूर किया गया। ये एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले दो दिन से लगातार ये कहा जा रहा था कि जब शेख महमूद कुरैशी ने तकरीर की थी नेशनल असेंबली के अंदर उन्होंने कहा था कि हम सब जी ऑन प्रोटेस्ट इस्तीफा दे रहे हैं और खड़े होकर उन्होंने वो इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये दबाव बनाया जा रहा था पीटीआई पर कि देखिए इस तरीके का ड्रामा ना करें, इससे पहले भी आपने कई बार इस तरीके के ड्रामे किए हैं लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अगर आपने इस्तीफे दिए हैं तो इनको मंजूर भी किया जाए, क्योंकि कासिम सूरी जो है वो खुद पीटीआई के हैं जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त वहां पर है। तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट ही था, क्योंकि कल जिस तरीके से इमरान खान ने ताबड़तोड़ हमले नवाज शरीफ जरदारी पर किए थे उसके बाद ये एक्सपेक्ट था कि आज ये पहली लिस्ट जो है वो सामने आएगी और इस तरीके से पहली लिस्ट जो पाकिस्तान से सामने आई है वो 123 एमएनएज की है जिनके इस्तीफे जो है वो मंजूर किए गए हैं। बिल्कुल इश्फाक, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए पाकिस्तान की सियासत में लगातार जो हलचलें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो इरफान खान है उनकी तरफ से भी जो प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, इसको लेकर भी उनका जो आवाज है वो लगातार उठाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, कल रात को जब उनने जलसा किया तो उसके बाद उनने संडे का एक और बड़ा जलसा करने की भी बात कही है। इधर जब आप पाकिस्तान की आज बात करेंगे तो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन आज से शुरू कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और थोड़ी देर पहले इमरान खान ने यह साफ कर दिया कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अब अपना रंग दिखाया है अब हम और अपने एग्रेशन में आएंगे और इस्लामाबाद मार्च का भी ऐलान हो सकता है, जहाँ एक तरफ से अब कंटिन्यूसली आप देखेंगे क्योंकि रमजान है इस वजह से वो बीच ब्रेक दे रहे हैं, दो दिन का ब्रेक दे रहे हैं, फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शाम को ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब जितना झुंझुन रमजान खत्म होगा ईद के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आएगी और ये भी देखना होगा कि जब ये तेजी
तेजी आएगी इसमें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कुछ इसमें रोल रहेगा? क्योंकि अभी जिस तरीके से 123 का ये नाम आया है, अभी खबर ये है कि कुछ और लोगों के नाम जो है वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर क्लियर होंगे, और उसके बाद जब उनके भी इस्तीफे मंजूर होंगे, तो जब ये वैक्यूम क्रिएट होगा नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो क्या आईन पाकिस्तान का इसको अलाउ करेगा कि वो कंटिन्यू करे विद सिंगल मेजोरिटी पार्टी वहां पर रहे और जो बड़ा अपोजिशन है वो वहां पर नहीं है? तो ये भी एक देखने वाली बात होगी, और इससे और ज्यादा गर्माहट वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी होगी, और नेशनल टीवी जो पाकिस्तान के हैं या कौमी टीवी जो वहां का है उस पर भी डिबेट जो है वो आज से ही बनना अब शुरू हो जाएगी इस पर। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए